नमस्कार, न्यूज हिंदी टीवी चैनल में आपका स्वागत है। सोहारे पर खड़ी 50 एयर होस्टेस ने अचानक उतार दिए कपड़े, ये थी वजह। इटली में लोग उस वक्त हैरान रह गए थे जब वहां कहीं नई राष्ट्रीय एयरलाइंस कंपनी की कई एयर होस्टेस कपड़े उतारकर अपनी ही कंपनी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने लगी। दरअसल इटली की नई एयरलाइन कंपनी ITA एयरवेज में वेतन कटौती पर सभी एयर होस्टेस का गुस्सा फूट पड़ा। एयर होस्टेस का आरोप यह है कि उनकी मेहनत की बदौलत कंपनी तो सफलता के आसमान में पहुंच गई, लेकिन उनके साथ न्याय नहीं किया जा रहा है। ITA एयरवेज की फ्लाइट अटेंडेंट ने इस सप्ताह नौकरी की हटाई जाने और विशेष रूप से वेतन कटौती का विरोध कपड़े उतार कर किया है। लगभग 50 महिला एयर होस्टेस अपनी वर्दी में आई और फिर उन्होंने ड्रेस उतारकर सिर्फ अंडरवियर में खड़े होकर कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। इन एयर होस्टेस का विरोध नौकरी से हटाई जाने को लेकर था। उन्होंने बताया कि ये लोगों को दिए गए अनुबंधों को खिलाफ भी था जिन्हें ITA एयरवेज ने बरकरार रखा है। वहीं एयरलाइंस के इस फैसले को लेकर ट्रेड यूनियन का कहना यह है कि जो लोग कंपनी में रुके हुए हैं उन्हें कम वेतन दिया जा रहा है। ITA एयरवेज के एक फ्लाइट अटेंडेंट ने CNN को बताया कि वेतन में कटौती के साथ साथ उन्होंने प्रमोशन को भी खो दिया है। उन्हें पहले से ही यह नहीं बताया गया है कि वो कहां और कब काम करेंगे। ITA के अध्यक्ष अल्फ्रोडा अल्तावीला ने हड़ताल की धमकी को राष्ट्रीय शर्म की बात बताया है। उनका कहना यह है कि एयरलाइंस के कर्मचारी मौजूद कामकाजी परिस्थितियों से सहमत है और उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए।